तेलसे तेलसे। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद यहाँ पर व्यू देखने के लिए आए हैं। पास ही में ही कोयडा गुट्टा भी है, तो ये दूसरी बार आ रहे हैं मैं और अरविंद। अरविंद अपना बंदा यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि हैदराबाद से जो पास में है, सबसे पास में सबसे सुंदर जगह ये एक ही है। और आप स्ट्रेट देखोगे तो वहाँ पर संगी टेम्पल भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपको कभी भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए आना है तो सुबह सनराइज या सनसेट के टाइम पे ये जगह बिल्कुल सही है। तो ऐसा है पूरा व्यू यहाँ का, और मुझे तो लगता है कि एक नंबर है। और मुझे सही में ये जगह बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो थोड़ा बहुत नेचर बचा हुआ है सिटी लाइफ से, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा अच्छा दिखता है बस जगह, और थोड़ा कामनेस है, पीस है। अपन पिछली बार भी यहाँ पर आए थे ना, तो उसको लोकेशन कैसा लगा? लाइक हाउ यू रेट दिस लोकेशन आउट ऑफ 10? अभी बहुत धूप पे आया, बट नॉट सैटिस्फाइड दैट मच। तो अभी कोयडा गुट्टा में जो मेन व्यू पॉइंट है इसका, वहाँ पर जाने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। छोटा सा हल्का सा ट्रैक है, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रैक कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाने पर यहाँ पर बाहर के रिंग रोड का बड़ा सुंदर व्यू दिखता है। तो ऊपर जाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो अपना बंदा जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े जा रहा है, और इस बंदे का वीडियो बनाना हो रहा है। और अपन ऑलमोस्ट व्यू पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, और ये रहा वो व्यू पॉइंट जो यहाँ पर फेमस है, मेन कोयडा गुट्टा का व्यू पॉइंट। और ये बिल्कुल सही जगह है। तो ये व्यू देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और सही है, एक नंबर व्यू है। फैक्ट्री बोलना चाहिए, मस्त दिखता है जगह पूरा। तो मामा हाँ, व्यू कैसा है? व्यू पसंद आया? हाँ मामा, तुझे को भी पूछ रहा हूँ, व्यू पसंद आया? बहुत अच्छा है, व्यू बहुत सुंदर है। तो अपन मेन व्यू कोयडा गुट्टा के मेन व्यू पॉइंट के पास पहुँच चुके हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ आपको तो जगह बहुत पसंद आया होगा। बस वीकेंड्स के समय लोग जो पूरा हफ्ता पूरा ऑफिस में जो घिसड़े रहते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स बनता है। और ऐसे सब जगह जो थोड़ा बहुत इन बिटवीन नेचर बोलते हैं ना, इन बिटवीन नेचर जगह पे कुछ रहेगा तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है। नहीं भी चाहिए बोलने से, ये नेचर में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल ही जाता है कैसे भी। तो होप अगर आप भी हैदराबाद से हैं और आपको भी अगर पसंद है कि नेचर के बीच में थोड़ा बहुत रहना है और थोड़ा बहुत संडे का रिलैक्सेशन कुछ आपको चाहिए, तो इट्स आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे आके इस जगह पे विजिट कर सकते हैं। व्यू तो एक नंबर है, यू कैन सी दैट ब्यूटीफुल व्यू। तो होप आपको ये व्यू बिल्कुल पसंद आया होगा, और होप कि आप सबका भी संडे अच्छा जाए। और थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, इट्स बेटर कि आप रूम में बैठ के चिल हो जाए ना। थोड़ा बहुत कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कहीं पर कुछ और जगह पर खाने के लिए जा रहे हो, किसी नए दोस्तों से मिल रहे हो, पुराने दोस्तों के साथ चिल हो रहे हो, जैसे कि मैं इस बंदे के साथ चिल हो रहा हूँ, तो ये सब ठीक रहता है कि आदमी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप घर में बैठ कर सोचोगे कि रिलैक्स नहीं हो रहा, रिलैक्स नहीं हो रहा, पूरे हफ्ते भर का टेंशन है, स्ट्रेस है, बोलने से कभी होगा भी नहीं। इट्स बेटर कि आप कभी भी रिलैक्सेशन चाहिए, घर से बाहर निकलिए,
देख रहे हो, बिल्कुल सही भी है ना, इतना हवा चल रहा है, थोड़ा बहुत दोपहर का धूप है लेकिन तब भी इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, और ये व्यू जो है इतना सुंदर व्यू है कि ये व्यू के लिए काफ़ी है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट अच्छे से बैठ गए तो मस्त रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो हर जगह पे यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस वाले बंदे ही दिखेंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए सब आए हुए, फोटोग्राफी का सेशन चलते रहता है यहाँ पर। और वो रहा सुंदर सा समय टेम्पल, किसी दिन वहाँ पर भी जाएंगे। वीडियो तो यहाँ पर पास में ही हनुमान का टेम्पल भी है ये यहाँ पर साइड में, और यहाँ पर जो फेमस आप कई सारे तेलुगु शॉर्ट फिल्म्स में भी देखे होंगे, ये वाला जो ऊपर में है हनुमान जी का स्टैचू, आई होप आपको देखने में तो अच्छा दिख रहा होगा, तो एक नंबर व्यू लगा। చూస్తారా ఏమి